नमस्कार, लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पोकरण, फलसुंडा, बालोतरा, सिवाना के पेयजल आधारभूत परियोजना का लोकार्पण किया। इसके साथ ही बालोतरा कस्बे में पानी आपूर्ति भी शुरू हो गई है। वहीं इस परियोजना से सिरधरी और सिवाना तक भी जल्दी ही पानी पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बालोतरा में जनसभा को संबोधित भी किया। वसुंधरा ने कहा कि इस इलाके को हिमालय का मीठा पानी पहुंचाने का वादा पूरा कर हमने यहां के लोगों की सालों पुरानी समस्या दूर की है। राजधानी लखनऊ की पुलिस एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। दरअसल गोमती नगर में पुलिस ने विवेक तिवारी नामक युवक को संदिग्ध समझकर गोली मार दी। बाद में युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक देर रात संदिग्ध लगने पर कार सवार युवक को सिपाही प्रशांत चौधरी ने रोकने का प्रयास किया। विवेक ने रुकने के बजाय कार कथित तौर पर पुलिसकर्मी के मोटरसाइकिल पर चढ़ा दी, जिसके बाद सिपाही ने गोली चलाई। घायल विवेक को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना देर रात करीब 12 बजे की है। सुल्तानपुर के रहने वाले विवेक तिवारी एप्पल कंपनी में एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। लखनऊ में एक घटना हुई है, उस घटना में एक विवेक तिवारी नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। सुबह के वक्त जब वो जा रहे थे गाड़ी से, तो एक महिला अधिकारी के साथ वो वहाँ पे थे, जो उनकी कंपनी में ही काम कर रही थी। वो दोनों काम कर रहे थे और उनको एक जगह वहाँ पे खड़ी थी गाड़ी। मेरे दो सिपाही जो चेतक का जो हमारा वो रहता है उसमें वो थे, और उन्होंने इंटरसेप्ट किया और उनसे कहा कि आप बाहर निकल कर बताएं क्या है। वो निकलने से रिफ्यूज़ किया और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके मेरे कॉन्स्टेबल्स पे चढ़ाने की, मोटरसाइकिल पे चढ़ाने की कोशिश की। और सेल्फ डिफेंस में, जैसा कॉन्स्टेबल्स ने बताया कि सेल्फ डिफेंस में उसने गोली चलाई, गोली उसके चिन पे लगी है और बाद में गाड़ी जाकर वो एक्सीडेंट हो गई और उसकी मौत हो गई। लखनऊ की सड़कों पर आज आदर्श व्यापार मंडल के लोगों ने मार्च निकाला। वहीं इस मार्च के दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि वॉलमार्ट जैसी संस्थाओं से देश का रिटेल व्यापारी बहुत परेशान है। उनका व्यापार 50% से ज़्यादा घट गया है। अगर जल्दी से ही इन्हें नहीं रोका गया तो देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ सकती है। वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए संजय गुप्ता ने कहा कि अगर व्यापारियों की मांगें पूरी नहीं की गई तो सरकार को इसका खामियाजा 2019 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वर्तमान में देश का रिटेल व्यापार खतरे में आ गया है। भारत के बढ़ते हुए रिटेल व्यापार को, बड़े उपभोक्ता बाजार को देखते हुए सभी विदेशी कंपनियां इस पर कब्जा करना चाहती हैं। अभी हाल ही में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की एक डील विश्व की ई कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी डील $16 बिलियन की हुई है। इस डील के क्रियान्वयन में आते ही देश का रिटेल व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। साथ ही साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेज़न और अलीबाबा की डील होने वाली है। आदर्श व्यापार मंडल की ये मांग है कि देश में रिटेल सेक्टर में FDI को कतई नहीं होना चाहिए। सिंगल ब्रांड रिटेल में जो 100% FDI की अनुमति दी गई है, ये अनुमति वापस हो। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट की डील को रद्द किया जाए। जो भारत के ट्रेडिशनल व्यापारी हैं, इनके लिए एक नीति बनाई जाए, ई कॉमर्स क्षेत्र के लिए एक नीति बनाई जाए, पॉलिसी बनाई जाए, और भारत के खुदरा व्यापारियों को बचाने के लिए सस्ती दरों पर लोन दिया जाए, ताकि ये भी कंपटीशन कर सकें। यूपी के मऊ में दवा व्यापारियों ने सरकार की नई नीतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मार्च के दौरान दवा विक्रेता कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष अरविंद पांडे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नई दवा नीति एक काला कानून है। ई फार्मेसी से समय पर मरीज को दवा पहुंचाना मुश्किल है, और वहीं इस नीति से हम छोटे दवा विक्रेताओं के कारोबार में भी गिरावट आई। अगर केंद्र ने व्यापारियों के लिए जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो हम एकजुट होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। बड़ा गांव बोर्ड से एक जुलूस लेके चले हैं मजवारा बोर्ड पे, वहां पे
एक जनसभा को संबोधित करते हुए ई फार्मेसी एक जटिल समस्या हमारे यहाँ पहुंची हुई है। ऑनलाइन लोग दवा मंगा ले रहे हैं घर बैठे हुए 40% 30% डिस्काउंट पे उनको कंपनी से कस्टमर मिलता है। वो अभी मेरा मरीज यहाँ एडमिट है तो अभी हम ऑनलाइन कैसे दवा तुरंत मंगा लेंगे? इस हालत में पूरा नज़दीक का कोई मेडिकल स्टोर वाला ही दवा दे सकता है, न कि ऑनलाइन वाला तुरंत डिलीवरी या कोई ऐसा पुष्पक विमान भी नहीं बना है जो कि 2 सेकंड में ला के मरीज को दवा दे देगा और मरीज तड़पता हुआ सही हो जाए। 1 महीने का समय दिया गया है, नहीं हमारी मांगे पूरी हुई तो हम अनिश्चितकालीन बंदी पे भी जा। खबर ग्रेटर नोएडा की है जहां आधी रात को बदमाश प्राइवेट कैब को अपना शिकार बना रहे हैं। कैब ड्राइवरों से मारपीट कर बदमाश बंदूक के बल पर पैसे छीन लेते हैं। ये बदमाश अब तक कई कैबों को अपना शिकार बना चुके हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा पुलिस को इसकी शिकायत की गई है। पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया दिया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही ये बदमाश पुलिस के गिरफ्त में होंगे। रात क्या नाम है, मैं वहाँ पे खड़ा सीएनजी पंप पे, एक एक्सीडेंट गाड़ी आई थी वाइट कलर की और क्या नाम है, एक मिनट रुकी थी मेरे पास और क्या नाम है तोड़ का सीट चली गई, नंबर प्लेट मुड़ी गई थी उसकी। अच्छा, मतलब और कुछ नहीं कहा, बस शीशा ही तोड़ के चली गई? बस शीशे तोड़े थे। कुछ बोला किसी ने? कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं बोला, बस सिर्फ गाड़ी बोला था कि ओला की गाड़ी है, बस इतना कह के शीशा फोड़ के चले गए। लखनऊ की महापौर संयुक्त भाटिया ने भगत सिंह के जन्मदिन पर उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर शहीद भगत सिंह को नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर संयुक्ता भाटिया ने भगत सिंह की बिगड़ी प्रतिमा की मरम्मत करवाने की बात भी कही। भगत सिंह की जयंती पर लखनऊ के आलमबाग में सभा का आयोजन किया गया जहां भगत सिंह के जीवन और विचारों पर आधारित एक पोस्टर प्रदर्शनी और शिक्षा रोजगार की स्थिति पर पोस्टर लगाए गए। वहीं शिक्षा और रोजगार की बिगड़ती हालत के चलते छात्रों ने आंदोलन किया जिससे सरकार देश में फैली बेरोजगारी की ओर ध्यान दे सके। रोजगार अधिकार अभियान के तहत 10 सूत्री मांगों का पत्र भी SDM के जरिए मुख्यमंत्री को सौंपा गया। बिसलपुर में डॉक्टर की गलत इंजेक्शन लगाने से एक 45 साल के एक शख्स की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि सीने में दर्द होने की वजह से उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने बिना सही जांच किए 3 इंजेक्शन लगा दिए। इंजेक्शन लगाने के बाद शख्स की हालत और बिगड़ गई और 1 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। कब दर्द हुआ? अबे 1 घंटा पहले। फिर क्या हुआ? फिर इनके सामने डॉक्टर के लेके आए हम, अब उन्हें देखो, इन्हें कहा हमारे बस में बात है, हम दवाई घर ऐसे मिल जाएंगे। इनने 5-6 सुई, चार सुई लगाई, इनके एक संग शरीर हल्को हल्को ठंडो पर हो, इन्हें पलटी आने लगी, इन्हें पलटी इंजेक्शन लगाओ तो फिर पलटी आई, इनको शरीर ठंडो पर लगो, 1 सुई लगाई उनने, शरीर का दे ठंडो पर ही, हाथ पांव टेढ़े होने लगे, और हमसे कहते डॉक्टर साहब देखो देखो, और हमने उनसे नाश्ते हमने कही, अब कंपाउंडर हमें गाली देने लगे, बोले ले जाओ उधर सफाई वफाई करेंगे, ठीक है वो बोले सफाई करने, तुम्हें सफाई जरूरी है या मरीज की जरूरी है? सिवाना क्षेत्र के फुलन गांव में एक बार फिर से प्रशासन की अनदेखी देखने को मिली है जहां गांव में स्कूल के छात्र छात्राएं पिछले कई दिनों से पानी की समस्या से परेशान हैं। सूत्रों के मुताबिक स्कूल के पास बनी GLR से स्कूल की टंकी में पानी की सप्लाई होती है लेकिन पिछले कई दिनों से पानी नहीं आने से सभी छात्र छात्राएं और शिक्षक पेयजल की समस्या से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पीने के पानी की समस्या लंबे समय से है लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। फेसबुक एक बार फिर विवादों में आ गया है। दरअसल फेसबुक ने शुक्रवार को घोषणा की कि हैकरों द्वारा सुरक्षा में खामी पैदा करने के कारण 5 करोड़ अकाउंट प्रभावित हुए हैं। दुनिया के इस बड़े सोशल नेटवर्क ने कहा कि इस सप्ताह हमें पता चला कि हैकरों ने एक्सेस
टोकन्स चुरा लिए, जिसके कारण ये अकाउंट प्रभावित हुए। वहीं फेसबुक के मुख्य कार्यकारी मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि इंजीनियरों ने मंगलवार को इस खामी का पता लगाया, गुरुवार रात तक इसे ठीक कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने ये खामी दूर कर ली है और कानून प्रवर्तन को सूचित कर दिया है। जुकरबर्ग ने कहा कि हमें पता नहीं कि क्या किसी अकाउंट का वास्तव में गलत इस्तेमाल हुआ है, यह गंभीर मुद्दा है। फेसबुक ने एहतियातन अस्थायी तौर पर व्यू एज फीचर को हटा लिया है। यह फीचर एक प्राइवेसी टूल है जो यूजर को देखने की अनुमति देता है कि उसका अपना प्रोफाइल किसी अन्य व्यक्ति को कैसे दिखाए। पोलियो की बीमारी एक बार फिर भारत में लौट सकती है। दरअसल राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद स्थित मेडिकल कंपनी बायोमेड के जरिए बनाई गई ओरल पोलियो वैक्सीन में टाइप 2 पोलियो वायरस पाए गए हैं। आपको बता दें कि सालों पहले भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आशंका जताई जा रही है कि ये बीमारी एक बार फिर से भारत में फैल सकती है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और संबंधित विभागों ने इसका हल निकालने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ये वैक्सीन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल की गई थी, इसलिए दोनों राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। खबरों में बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए लाइव 24। नमस्कार।